एक्चुअल में जब हम लोग ने ये गाना डिसाइड किया कि करना है, तो सबसे मेन बात तो ये थी कि हम लोग को मतलब ऐसा कुछ करना था कि कोई बड़ा बैनर हमें मिले जिसके थ्रू हम लोग इसको सॉन्ग को पेश कर सकें लोगों तक। और इसी सब सिलसिले के बीच में ऐसा हुआ कि हम लोग वीनस को अप्रोच किया हम लोगों ने, और वीनस जैसा बड़ा ब्रांड जब हम लोगों के साथ में जुड़ गया तो नेचुरली उसका बहुत फ़ायदा हुआ और होगा भी और आगे। और जितना कोऑपरेशन वहाँ से हमें मिला है विनस से, वो मतलब सीरियसली उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया हम लोगों को, और अभी भी कर रहे हैं और शायद आगे जाके भी करेंगे। गौरव जी, आपसे जानना चाहूँगा, आपको जैसे मालूम है कि पहले के ज़माने में 90s की बात करें तो एल्बम में जो आज के लीडिंग एक्टर्स वो भी काम कर चुके हैं, जैसे शाहिद कपूर ने काम किया, हाँ। तो आपको कितना फ़ायदा लगता है कि होगा इस तरह के एल्बम में काम करने का, फिल्म करियर की देखिए, बात करें तो? फायदा नुकसान देख के काम नहीं करते हैं एक्चुअली। जो प्रोजेक्ट अच्छा लगे, जो खुद को फील हो कि हमें ये करके अच्छा लगा, और हर कोई आर्टिस्ट चाहता है कि अच्छा काम करना। तो जब ये गाना मैंने सुना था तो बहुत ही प्यारा सॉन्ग बना, शांतनु दा ने बहुत मेहनत करके इससे अच्छा तैयार किया, तो हमें लगा कि इसको शूट अच्छा से करना चाहिए। अगर शूट अच्छे से करते हैं तो फायदा होगा, लोग इसे पसंद करेंगे। तो बाद में आके वीनस इसे रिलीज़ कर रहा है, तो फिर हुआ कि नहीं, इसको तो और अच्छा करना पड़ेगा कि लोगों तक पहुंचे, जो हमारा मास ऑडियंस है, जो एक्चुअल में हमारे जो ऑडियंस है वहाँ तक पहुँचे। तो इस गाने को उस लेवल पे शूट किया जाए, तो बस ये सोच के किया हमने कि ऐसा नहीं कि हमारा क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, कितना क्या होना है, वो सब चीज़ें नहीं सोचा मैंने। जी भाई, आप कितना प्रभावित कर पाएंगे दर्शकों को जब ये एल्बम लोग देखेंगे तो, या कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर देखेगा तो कैसे आपको उस तरह से फायदा नहीं कह सकते, फिर भी हाँ किस तरह से अच्छा होगा आपके लिए कैरियर के हिसाब से? अच्छा इसलिए होगा क्योंकि ये बहुत हार्ट टचिंग सॉन्ग है, क्योंकि हम लोगों को ये इतना अच्छा लगा, हम लोगों ने इतना इंटरेस्ट लेके इसको शूट किया है, तो ऑब्वियसली ऑडियंस को ज़रूर पसंद आएगा, डेफिनेटली बहुत अमेजिंग सॉन्ग है। तो यस, आजकल की ऑडियंस इस टाइप के सॉन्ग ज़्यादा सुनती है क्योंकि एक लव रोमांटिक सॉन्ग है, तो डेफिनेटली ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा। आपसे जानना चाहूँगा, आपने म्यूजिक दिया है तो अपने मधुर आवाज में अगर एक दो लाइन बता दें कि क्या गाना है कैसे, क्योंकि हम लोग पता नहीं है इसके बारे में। तो ऐसे मुझे गाना मैं इतना अच्छे तरीके से नहीं गा सकता, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई। मेरा जो भी है तेरा दादा,